हेलो नमस्ते ओम नमः शिवाय। आई एम सुष्मिता बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। तो आपने टॉपिक देख ही लिया होगा, हम देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड ऑफ ओरेकल डेक्स एंड चार्म्स कि आपके लिए क्या वो सरप्राइजेज हैं जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, डिवाइन बताना चाहते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स बताना चाहते हैं। अगर ये आपका फर्स्ट टाइम है मेरे इस चैनल में तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम सुष्मिता बी, आई एम एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट, अ टैरो कंसल्टेंट, एंजल कार्ड रीडर एंड अ हीलर एज वेल, वेयर इन आई प्रैक्टिस लामा फेरा हीलिंग, रेकी हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग एज वेल एज एंजल हीलिंग। तो आप सबके सामने ये तीन डेक्स आप देख सकते हैं। इन तीन डेक्स में से जो भी डेक आपको कॉल कर रहा है वो आप चूज़ कर सकते हैं। ये है एनिमल स्पिरिट डेक, ये है मिस्टिकल विजडम डेक और ये है कीपर्स ऑफ द लाइट डेक। हम बहुत सारे ओरेकल कार्ड्स के थ्रू आपके मैसेजेस देखने वाले हैं। आपको एक से ज़्यादा डेक अगर आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो आप वो रीडिंग देख सकते हैं। टोटली आपका फ्री विल है। आप पूरी रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप पूरी रीडिंग एज अ गाइडेंस देख सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ, दैट इज़ एनिमल स्पिरिट के साथ। उसके बाद पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आपके टाइम स्टैम्प्स जो है वो है आपके डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कॉमेंट सेक्शन के अंदर पिंड होंगे उसके टाइम स्टैम्प्स, तो आप वहाँ जा सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल स्पिरिट के साथ। हेलो पाइल नंबर 1, आई एम सुष्मिता बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्र साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? तो आज हम देखने वाले हैं आपके लिए क्या मेजर सरप्राइजेस आ रहे हैं फ्रॉम यूनिवर्स, फ्रॉम योर डिवाइन एंड फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। तो देख लेते हैं, ले लेते हैं प्रभु का नाम, बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय और आज की रीडिंग करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले आ रहा है आपके लिए पीओ। तो पीओ आपको क्या बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके लिए ना आपके एंसेस्टर्स जो है वो आपको हेल्प करने वाले हैं, उनका आपको साथ मिलने वाला है, वो आपके स्पिरिट गाइड्स बन सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी एज अ ब्लेसिंग इट इज़ कमिंग फॉर यू। तो ये आपके लिए आ रहा है एज अ मेजर सरप्राइज कि सम वेयर आपकी जो एंसेस्टर्स हैं उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। किसी भी तरह की कोई भी ऑब्स्टिकल्स आपके पास हैं तो वो सारे ऑब्स्टिकल्स आपके रिमूव होने वाले हैं। प्लीज़ पे अटेंशन टू ऑल the signs that you are receiving in terms of anything, in terms of synchronicities of numbers or feathers or any messages, any song. So please pay attention. Dreams में भी हो सकता है कि कोई चीज़ें आप देखें, कोई repeatedly आपके पास you know pattern में कोई चीज़ें messages आपके पास आ रही हैं, उसे भी आप ज़रूर देखें क्योंकि वो as an ancestral blessing आपके लिए आ रही है। What a beautiful start of the reading. आगे आपके लिए आ रहा है tiger, तो आपके पास leadership quality मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। This is what I can see फ्रॉम दिस कार्ड। तो आपका प्रमोशन हो सकता है, ये हो सकता है, यही आपके लिए एज अ ब्लेसिंग आ रहा है, एज अ मेजर सरप्राइज आ रहा है कि जहां आपके पास एक लीडरशिप क्वालिटी आ रही है, चाहे आप एक हाउसवाइफ क्यों ना हो लेकिन आपके अंदर आप देखेंगे कि वो करेज आ रहा है, वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, अपनी चीज़ों को प्रॉपरली डिसिप्लिन वे में आप देख सकेंगे, कर सकेंगे एंड ओवरऑल बहुत सारे हार्ड वर्क से आप शिफ्ट होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं स्मार्ट वर्क के तरफ। ओके, आगे आपके लिए आ रहा है वीजल। वीजल आपको यही बता रहे हैं कि आपको शांत रहना है, क्वाइट रहना है। एक लीडर की क्वालिटी क्या होती है कि दूर से आप एक ऑब्जर्वेंट बन के आप देखें कि चीज़ें कैसे चल रही है, अपनी हर सेंस को ओपन रखें, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, समझने की शक्ति, ये सब चीज़ों को आपको देखना है। दूर से आप सब चीज़ें देखें और उस चीज़ में कहाँ पर क्या चेंजेस लेके आनी है वो आप देख पाएंगे। वो ये आपके लिए एज अ मेजर सरप्राइज आ रहा है कि आप अपने अंदर वो कामनेस लेके आ पाएंगे, वो करेज लेके आ पाएंगे, वो कॉन्फिडेंस लेके आ पाएंगे विद द हेल्प ऑफ योर एंसेस्टर्स। दिस इज व्हाट आई कैन सी एज दिस इज कमिंग एज अ ब्लेसिंग फॉर यू। पाइल नंबर 1 की आपको ये ब्लेसिंग मिलने वाली है कि आप मैच्योर होने वाले हैं बहुत ज़्यादा और एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आने वाली है जिसकी वजह से आप क्या करने वाले हैं, आप ना बहुत शांति से देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे किसी भी रिलेशनशिप को, किसी भी सिचुएशन को और उसके अंदर आप सोल्यूशन देने वाले हैं। एवरी वन विल बी लुकिंग अप टू यू एज अ टाइगर, एज अ लीडर। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी, दैट इज़ द मेजर सरप्राइज दैट्स कमिंग। तो यहाँ पे आगे आपके लिए आ रहा है बूट। ये आपको बताता है इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव योर गोल्स। आपको अपने एफर्ट्स बनाने होंगे, अगर आप कोई भी गोल आपने फिक्स किया हुआ है तो आप अपने एफर्ट्स बढ़ाएंगे तो आपके लिए ज़रूर और ज़रूर जो है वो काम आएगा। आगे आपके लिए दो कार्ड्स आ गए हैं जो आपको बता रहे हैं, एक
टैरट, समवन विल गॉसिप अबाउट योर सीक्रेट्स। तो अपने सीक्रेट्स को आपको बहुत ध्यान से बताना है, किसी को नहीं बताएंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आपकी जो सीक्रेट्स है उसकी गॉसिप कर सकते हैं। तो ये कोई टू फेस्ड पीपल है, पर्सन है आपके लिए, जो कि आपसे तो सुनते हैं और दूसरों को बताते हैं। तो यू नीड टू बी, यू नो, हो सकता है ये आपके सामने एज अ सरप्राइज हो कि ये ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसा कर सकता है या ऐसा कर सकती है। आई नेवर थॉट अबाउट इट। ओके, सो ये मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्रैक्ड कप आ रहा है, तो कुछ डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है आपके लाइफ में आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है विद दिस पैरेट और उसके साथ साथ ही क्रैक्ड कप आया है, तो समवेयर आपको बहुत बुरा लग सकता है कि यू नो कि जिस पे आपने इतना ट्रस्ट किया, उसको सारी अपने सीक्रेट्स बताए, वो अब जाके इधर उधर बात कर रहा है या बात कर रही है। यू कैन फील बैड अबाउट इट। आगे देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आपके लिए आ रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो आप अगर किसी भी तरह से कोई मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में है, चाहे वो 555 हो, 369 हो, या इस तरह की कोई भी आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हैं, तो मुझे नज़र आ रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू कि आपके लिए वो सारी चीज़ें जो आप चाहते हैं वो आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल ब्लेसिंग एंड अ सरप्राइज फॉर यू इन योर लाइफ। कोई रिलेशनशिप आप ज़रूर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या फिर कोई भी एक्टिविटी जो आपको लगता है यू नो यू आर पैशनेट अबाउट, यू आर गोना अचीव इट। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कार्ड। सो दैट इज़ कमिंग एज अ मेजर सरप्राइज इन योर लाइफ कि कितने ईजिली आपके लिए चीज़ें जो है वो फॉल कर रही हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हेयर। आगे आपके लिए कार्ड आ रहा है कि पास्ट लाइफ इशूज़, जो भी अभी तक चल रहा था या जो भी आप फेस कर रहे थे या आप करने वाले हैं, जो आपके ये क्रैक्ड कप से या फिर पैरट से मुझे नज़र आ रहा है, ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ के इशूज़ हैं यहाँ पे। लेकिन एंजल का आना और ये आपको यही एश्योरेंस दे रहे हैं कि बिल्कुल भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ये पैटर्न आ रहा है, इससे यू विल बी गाइडेड एंड यू विल बी सरप्राइज द वे यू आर गोना गेट द हेल्प ऑफ योर एनसिस्टर्स, यू आर गोना गेट द हेल्प ऑफ योर एंजल्स। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हेयर। जो भी सिचुएशन है ना, ये सब कुछ पास्ट लाइफ इशूज़ की वजह से हो रहा है एंड यहाँ कहीं ना कहीं मुझे हीलिंग होती हुई आपकी नज़र आ रही है एज अ मेजर सरप्राइज इन योर लाइफ। इमोशनल सेंसिटिविटी से हमें ये पता लगता है कि आपकी जो इंट्यूशंस हैं ना, वो बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। आपकी इनर फीलिंग जो है, आप बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल हार्ट पर्सन हैं। और आप कई बार ये सोचते हैं कि मैं एक इमोशनल फूल हूँ, मुझे सब बेवकूफ़ बना देते हैं, मैं सबके लिए इतना करता हूँ, बट दिस इज़ योर क्वालिटी। सो यू नीड नॉट हैव टू रिग्रेट अबाउट इट, रैदर यू हैव टू जस्ट सेलिब्रेट दैट यू हैव दिस क्वालिटी। हर किसी के पास ये क्वालिटी नहीं होती। ओके, सो यू नीड टू जस्ट रिस्पेक्ट योर सेल्फ, ऑनर योर सेल्फ for this gift of God that you are having, my dear pile number one. This is a very beautiful gift for you, जहाँ पे आप emotionally किसी भी चीज़ से attach हो जाते हैं और उस पर अपना 100% देते हैं। जब तक हम किसी भी relationship में, किसी भी काम में अपना प्यार और 100% dedication नहीं डालते हैं, वो चीज़ें कभी भी नहीं होती है। So please do not disrespect your this feeling and carry on in your life with this emotional sensitivity. Okay? So आगे देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। आपको बताया जा रहा है यूनाकाइट, तो आंसर्ड प्रेयर्स, तो आपकी जितनी भी आपने प्रेयर्स किए हैं वो सारे आंसर हो रहे हैं। तो ये एक मेजर सरप्राइज़ आपके लिए ज़रूर आ रहा है। डिवाइन जो है, जैसे आप डिवाइन सॉल्यूशन के लिए सरेंडर करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, अपने गोल की तरफ बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने आप को ऑनर देते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कार्ड से और यूनाकाइट्स के कार्ड से आपको यही पता चल रहा है कि आपके लिए जो मेजर ब्लेसिंग या फिर सरप्राइज आपके लाइफ में आ रही है, वो यही आ रही है कि आपकी जो प्रेयर्स हैं वो आंसर्ड हो जाएंगे। ओके, आगे आपके लिए आ रहा है ओपल, लेट योर सेल्फ स्पार्कल एंड शाइन। येस, यू नीड टू डू दैट, बिकॉज आपके अंदर क्वालिटी ही ऐसी आ रही है कि आप स्पार्कल करेंगे, आप शाइन करेंगे, आपको एंजल्स का, आपके एंसेस्टर्स का आपको हेल्प मिलने वाला है। ओके, यू विल बी गाइडेड, यू विल बी सपोर्टेड बाई योर एंजल्स, बाई योर एंसेस्टर्स। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। एंड आप ओपल को और यूनिकाइट को भी आप अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, दीज टू क्रिस्टल्स। एंड अगर आपको क्रिस्टल्स, जेन्यून क्रिस्टल्स चाहिए, तो आप मेरे वेबसाइट में भी जा सकते हैं, मेरा ऐप का लिंक भी है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट माई सेल्स टीम एज वेल। ओके, आगे देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या सरप्राइजेस आ रहे हैं। फॉर पाइल नंबर वन आपके लिए आ रहा है हॉस्टिलिटीज़। हॉस्टिलिटीज से ये पता लगता है कि देयर विल बी सर्टन प्लानिंग एंड प्लॉटिंग। आपको आगे बढ़ता देख के कई लोगों को बहुत परेशानी हो
सकती है वो आपके लिए कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स लेके आ सकते हैं. तो इट विल बी रिवील्ड इन फ्रंट ऑफ यू विद द हेल्प ऑफ योर एंसेस्टर्स एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ योर एंजल्स एंड यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. और स्पेशली अगर उनका डेट ऑफ बर्थ या फिर उनका डेस्टिनी नंबर अगर नंबर 8 है सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद दीज टाइप ऑफ पीपल. हो सकता है वो टॉरस हो या फिर वो हो सकता है यू नो कोई एयर साइन वाले हो तो वो भी आप देख सकते हैं. जेमिनी, एक्वेरियस, इस तरह के कोई भी बंदे अगर आपके आसपास हैं तो यू नीड टू जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल इन दैट केस. ओके, आगे आपके लिए आ रहा है द थिंकिंग मैन. से हमें ये पता लगता है कि देयर इज समवन हु इज थिंकिंग अबाउट यू. तो हो सकता है अगर इफ़ यू आर अ गर्ल एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आप देखना चाह रहे हैं कि आपकी रिलेशनशिप में आगे क्या हो सकता है, आपको किसी ने प्रपोज किया है या फिर आप अभी किसी से मिले हैं लेटेस्ट फॉर मैरिज पर्पज और फॉर रिलेशनशिप, तो मुझे नज़र आ रहा है कि दैट पर्सन इज रियली ब्यूटिफुली थिंकिंग अबाउट यू एंड यू आर वेरी वेरी प्रीशियस फॉर दैट पर्सन. नंबर 2, अगर आप ये करियर के लिए देख रहे हैं, आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो मुझे नज़र आ रहा है कि देयर इज समवन इन योर ऑफिस, मे बी योर इमीडिएट बॉस और योर सम सुपीरियर पर्सन हु इज थिंकिंग अबाउट योर प्रमोशन, हु इज थिंकिंग अबाउट योर क्वालिटीज एंड गिविंग यू मोर अपॉर्चुनिटीज बिकॉज यू आर एन एसेट फॉर देयर कंपनी. दिस इज वॉट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड. आगे देख लेते हैं कि और आपके लिए क्या सरप्राइजेस आ रहे हैं, क्या है वो सरप्राइजेस आपके लिए. तो आपके लिए आ रहा है डॉल्फिन, जो कि बताता है हमें कि हाँ, देयर इज़ सम रिलेशनशिप, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, केयरिंग, लविंग रिलेशनशिप दैट इज़ कमिंग इन योर लाइफ. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी. अबंडेंस का आना भी डॉल्फिन हमें बताती है. आगे है अगेन पैरट्स, बी वेरी वेरी केयरफुल. हो सकता है आपकी जो चीज़ें हैं वो आपकी जो यानी सीक्रेट्स कैन बी रिवील्ड इन फ्रंट ऑफ पीपल. सो कोशिश करें कि गॉसिप में ना पड़ें, लोगों से थोड़ा सा सावधान रहें. दिस इज़ what I can see because it can somewhere can affect your personal space. This is what I can see from these two parrots that's coming to you. So be very careful. हो सकता है आपके साथ कुछ चीटिंग हो जाए, जो आप प्रोजेक्ट करते हैं या जैसा आप काम करते हैं लोग उसको कॉपी कर दें अगर आप पहले से ही किसी को बता देते हैं अपनी चीज़ें. ओके, आगे आपके लिए क्या गाइडेंस है या फिर क्या सरप्राइजेज हैं. तो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कम्फर्ट जोन. सो आपको पहले भी यहाँ से बूट से पहले ही बता दिया गया है कि आपको और एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है. तो कम्फर्ट जोन में नहीं रहना है. अगर आपको चेंजेस करनी है अपनी लाइफ के अंदर, आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप साइड बिजनेस कर सकते हैं अपने जॉब के साथ. सो मल्टीटास्किंग आपको करने को टास्क करने को आपको बताया जा रहा है. आगे है डिलीट ऑल द नेगेटिव पीपल फ्रॉम योर लाइफ एंड ऑल द नेगेटिव मेमोरीज. दिस इज़ वॉट इज़ यू नो एज अ सरप्राइज दैट्स कमिंग टू यू बिकॉज आप डिलीट कर पाएंगे. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी. अचीव विद ऑल योर माइट. अगेन आपसे यही कहा जा रहा है कि पूरे 100% आप दीजिए अपने लाइफ के अंदर, तो आप अपने गोल को ज़रूर अचीव कर पाएंगे. ऑलराइट, आगे देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या सरप्राइज आ रहा है या फिर आपके लिए क्या मेजर चेंजेस आ सकती हैं विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन एज वेल. ये भी हम चेक कर लेते हैं. आपके लिए आ रहा है नंबर 8. तो किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप सोच रहे हैं अभी, तो आपके लिए आंसर आ रहा है नो. देयर इज़ अ बिग नो एट दिस मोमेंट बिकॉज यू आर नॉट रेडी फॉर एनी स्टेप्स. सो सिट बैक, ओपन योर सेंसेस, जो कि हमें वीजल ने भी बताया था. पूरे सेंसेस के साथ आप ओपन रखें अपने आप को और अभी थोड़ा सा डिवाइन टाइमिंग के लिए आपको वेट करने की ज़रूरत है. यू आर ऑलरेडी बीन गाइडेड. आगे आपके लिए आ रहा है नंबर 9 बिकॉज ये आपको चीज़ जो नहीं मिल रही है वो इसलिए क्योंकि आपके लिए बेस्ट इज़ कमिंग. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू पाइल नंबर 1. इफ़ यू आर एबल टू सी दिस, सो बेस्ट इज़ कमिंग फॉर यू. दैट्स वाई आपके लिए अभी जो क्वेश्चन है उसके लिए आंसर आ रहा था नो. आगे आपके लिए ग्रोथ 100% है. दिस इज़ व्हाट वी कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड. सो आगे देख लेते हैं कि आपके लिए एक सरप्राइज और क्या है आपके लिए फ्रॉम द यूनिवर्स. क्या है वो सरप्राइज फॉर देम. द क्यूट बेबी, सो यू विल बी ट्रीटेड वेरी ब्यूटिफुली. कुछ ना कुछ आपके लाइफ में नया स्टार्ट होता नज़र आ रहा है. हो सकता है आपके पास आपके लाइफ में कोई बेबी जो है अगर आप प्लान कर रहे हैं तो वो भी हो सकता है, या फिर कोई प्रोजेक्ट की या फिर किसी बिजनेस की न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है. ओके, यू आर लव्ड. येस, यू आर लव्ड बाई योर एंसेस्टर्स. दिस इज़ वॉट वी हैव ऑलरेडी सीन फ्राम
पियो, ओके। सो वो हमने देख ही लिया था, एंड एक्साइटमेंट आता हुआ आपके लाइफ में नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है तो एक्साइटमेंट भी ज़रूर आने वाला है, ओके। न्यू बिगनिंग है तो उससे भी आपके लिए एक्साइटमेंट आता है, ओके। अगर आप नया घर लेना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए हो सकता है, एंसेस्टर्स का ही कुछ आपको इनहेरिटेंस में कुछ मिलने वाला है, जिसके वजह से आप अपना नया घर ले सकते हैं, न्यू गाड़ी ले सकते हैं, नई चीज़ ले सकते हैं। सो देयर इज़ समथिंग न्यू दैट इज़ स्टार्टिंग इन योर लाइफ, दैट इज़ कमिंग इन योर लाइफ। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड एज अ मेजर सरप्राइज कमिंग टू यू। आई होप यू हैव लाइक द रीडिंग, आई होप यू हैव गॉट द गाइडेंस फ्रॉम हियर। आई रियली एन्जॉय थरोली टू डू दिस रीडिंग। अगर आप मुझसे कनेक्ट हो पाए हैं, अगर आपके साथ ये रेजोनेट करा है, तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, और जल्दी से उसके अंदर एक हार्ट का इमोजी ज़रूर दे दीजिएगा, ओके। एंड क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी बेबी आई है, तो एक हार्ट आप ज़रूर दीजिएगा एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स ज़रूर लिखेगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर टू, आई एम सुष्मिता बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्र साइकिल ऑफ लाइफ। तो आपने चूज़ किया है मिस्टिकल वर्ल्ड, तो हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ओरेकल डेक एज वेल एज लॉट ऑफ ओरेकल डेक्स एंड चार्म्स एंड डाइस डिविनेशन के आपके लिए वो सारे सरप्राइजेस क्या आ रहे हैं फ्रॉम यूनिवर्स, फ्रॉम योर डिवाइन एंड फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। तो चलिए ले लेते हैं प्रभु का नाम, बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और देख लेते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है, क्या है वो मेजर सरप्राइजेस जो आपके लिए आ रहे हैं फॉर ऑल पाइल नंबर टू पीपल, ओके। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपके लिए सेवन हेवनली वर्च्यूज। ये सेवन हेवनली वर्च्यूज जो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, जो कि हमें नज़र आ रहा है कि आपको क्या क्या इसके अंदर मिलने वाला है। आपको स्पिरिचुअल एनलाइटन मिलने वाला है, आपको डिवाइन नॉलेज मिलने वाला है एंड डिवाइन विजडम मिलने वाला है। दिस इज़ व्हाट दिस कार्ड इंडिकेट्स। दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल यू नो स्टार्ट ऑफ योर रीडिंग, वेयर इन आपको डिवाइन गाइडेंस ही मिल रहा है, आपको नॉलेज मिल रहा है, एनलाइटनमेंट मिल रहा है, विजडम मिल रहा है। आप लोगों को फॉरगिव करके चल पाएंगे, आप बिलीव एंड ट्रस्ट कर पाएंगे डिवाइन पे, डिवाइन टाइमिंग पे, यूनिवर्सल ब्लेसिंग के अंदर। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। यहाँ पे आपको एक और गाइडेंस दी जा रही है कि लोगों को फॉरगिव करके चलें, ओके। तो दिस इज़ व्हाट विल बी द गाइडेंस फॉर यू। और साथ में आपको कहा जा रहा है कि डू नॉट गिव अप इन एनी सिचुएशन, बिकॉज समवेयर आपको अभी हो सकता है जो आपकी सिचुएशन चल रही है वो यही नज़र आ रहा है मुझे कि आप कहीं ना कहीं गिव अप हो सकता है आप कर रहे होंगे, तो आपको बिल्कुल गिव अप करने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट दिस कार्ड इज टेलिंग। आगे देख लेते हैं कि आपके लिए क्या और आ रहा है। आपके लिए आ रहे हैं आर्क एंजल गैब्रियल, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप। तो यस, आपके लिए की ऑफ गुडनेस का आना और साथ में आर्क एंजल गैब्रियल का आना, तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप कोई ना कोई या तो NGOs आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहां से ऑफर आ सकता है, या आप अपना कुछ स्कूल या प्ले स्कूल आप ओपन कर सकते हैं, बच्चों के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। अगर ये आपका ड्रीम था तो येस इट इज़ गोना हैपन, और हो सकता है बच्चों के लिए कोई बुक्स लिख सकते हैं, उनके लिए कोई चैरिटी कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी, बिकॉज सेवन हेवनली वर्च्यूज कहीं ना कहीं आपको चैरिटी करते हुए भी यू नो करने के लिए भी एडवाइस करता है, तो आप कर सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। स्टोरी टेलिंग हो गई, उनके लिए कुछ गुडीज हो गए जो आप लेके जा सकते हैं, कोई यू नो आप स्कूल या फिर किसी भी तरह के यू नो ऑर्फनेज आप खोल सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी, और आप NGO ज्वाइन कर सकते हैं। सो इट कैन बी योर लाइफ पर्पस एंड यू विल बी गाइडेड टूवर्ड्स इट। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। अगर आपके पास बेबी नहीं है तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में यू नो बेबी आ सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आल्सो आई कैन सी। मनी आ रहा है, फाइंड अ वे टू अबेंडेंस। येस, लॉट ऑफ मनी कमिंग योर वे माई डियर वंस। सो दिस इज़ अ वेरी मेजर सरप्राइज दैट विल बी कमिंग टू यू। बहुत ईजली थिंग्स विल फॉल इन द प्लेस, बिकॉज होप है आपकी लाइफ में, क्रिएटिविटी है आपके लाइफ में, लव है, डोनेशंस है, विजडम है, नॉलेज है, एनलाइटनमेंट है, ये सब कुछ आपके लिए आ रहा है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टार्ट ऑफ द रीडिंग एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स दैट्स कमिंग टू यू एज अ सरप्राइज माय डियर वंस। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग दैट आई हैव कम अक्रॉस। अब देख लेते हैं कि आगे आपके लिए क्या और मेजर सरप्राइजेज आ रहे हैं। फ्लूट आ रहा है, डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई फ्रेंड है जो
टू फेज्ड हैं या फिर आप जैसा चाहते हैं वैसे वो आपके साथ ना तो टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना ही आपको उस तरह के रिजल्ट दे रहे हैं, रैदर वो आपसे भागने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपकी गॉसिप कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी विद दिस एंड समवेयर इट विल बी रिवील्ड इन फ्रंट ऑफ यू कि दिस person does not you know belongs to you or this relationship is not serving to you. This can be revealed in front of you. So aapko kahin na kahin thodi bahut disappointment yahan se ho sakti hai. This is what I can see. Aage hai dolphin. Again aapke liye you know financial gain aata hua nazar aa raha hai, usually coming from something you did in the past. Jo aapne past mein kuch kiya hai wahan se aapke paas money aata hua as a surprise nazar aa raha hai. Aap surprise ho jayenge ki aapne तक कहीं इन्वेस्टमेंट किया था, आप शायद भूल चुके थे, लेकिन वहाँ से आपको उसका मनी का बहुत मेजर गेन होते हुए नज़र आ रहा है. आगे है बुल. बुल आपको ये बताता है कि आपको बिल्कुल भी जो भी आपके अगेंस्ट बोल रहा है उसके अगेंस्ट आपको खड़े होना है, आपको दबना नहीं है. ओके, सो यू विल बी लाइक अ बुल. दिस इज़ वॉट इज़ द मेजर सरप्राइज फॉर योर सेल्फ. आप बहुत ही ज़्यादा हो सकता है सॉफ्ट स्पोकन हैं, आप हो सकता है ऐसे इंसान हैं जो कि दूसरों को यू नो चुप हो जाते हैं अगर कोई आपको कुछ बोलता है, लेकिन आप ये देखेंगे कि सरप्राइजिंगली आपका जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है विद द हेल्प ऑफ डिवाइन गाइडेंस, जहाँ पे आप देखेंगे कि आप अपनी आवाज़ जो है वो उठा पाएंगे, आप दबेंगे नहीं किसी से. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड. आगे आपके लिए आ रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन. दैट्स ब्यूटिफुल, जो आपको यही बताता है कि आप अगर कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे तो आप अब मैनिफेस्ट कर पाएंगे. एंड आपने जो इतने टाइम से जो आप जैसे यहाँ पर भी आया है समथिंग that you did in the past. तो अगर आपने काफ़ी कुछ you know rituals किए हैं, law of attraction techniques follow किए हैं, तो it is gonna come to you very easily, my dear ones. आगे आपके लिए आ रहा है emotional sensitivity. अपने आप को honor करें, अपने आप को respect करें, अपने thought process पे कभी भी doubt ना करें, अपने आप पे doubt ना करें, यही आपसे कहा जा रहा है. vegetarian being vegan, तो कहीं ना कहीं आपको detoxification के बारे में बता रहे हैं, जहाँ पे आपको majorly आप हो सकता है आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप अचानक से वेजिटेरियन हो जाएंगे, वीगन हो जाएंगे, आपके लिए ये भी एक एज अ मेजर सरप्राइज आ रहा है कि आप इतने काइंड हार्टेड हो जाएंगे कि आपको हो सकता है यू नो नॉन वेज खाना पसंद ना आए, आप एनिमल्स को हर्ट नहीं करना चाहते हैं. समथिंग लाइक दिस कैन हैपन. एंड हो सकता है आप टोटली वीगन हो जाए या फिर आप वेजिटेरियन हो जाए, और वो आपकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड. आगे देख लेते हैं कि और आपसे क्या बोला जा रहा है. आपके लिए आ रहे हैं परशुराम. परशुराम कह रहे हैं कि स्लेयर्स ऑफ डीमंस. डीमंस मतलब जिस भी तरह की कोई भी ऑब्स्टिकल्स, जो कि यहाँ पे बुल भी है जो बता रहे हैं कि अगर आपको कोई लेट डाउन करने की कोशिश कर रहा है तो बेसिकली दे आर द डीमंस, राइट, कि किसी को दबा के आगे बढ़ने की कोशिश करना, तो आप आवाज़ उठाने वाले हैं, आपकी टीचिंग एबिलिटी जो है वो बढ़ सकती है. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हियर. हो सकता है आप एक टीचर बन जाए, एक प्रिंसिपल बन जाए, ये भी हो सकता है, वो एज अ मेजर सरप्राइज हो सकता है. आप चाहते हैं कि आप टीचिंग करें, हो सकता है आप चाहते हैं कि आप अपना स्कूल खोलें, प्रिंसिपल बन जाएं आप, वो भी मुझे नज़र आ रहा है. अल्टीमेट जस्टिस फॉर ऑल, हर किसी के लिए आप जस्टिस के लिए काम करें. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी. ओके, आगे आपके लिए आ रहा है स्किल इन मार्शल आर्ट्स. हो सकता है आप अपने स्किल को एनहेंस करें, मार्शल आर्ट्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, लोगों के लिए आप खड़े हो सकते हैं, अपने लिए खड़े हो सकते हैं, अपने सेल्फ यू नो सुरक्षा के लिए आप हो सकता है आप देख सकते हैं कि आपको मार्शल आर्ट्स करना चाहिए. साथ में आपके लिए आ रहा है कन्वर्टिंग वॉरियर स्पिरिट एंड क्वालिटीज इनटू पीसफुल वंस. तो वो हमें यहाँ पे भी नज़र आया था इमोशनल सेंसिटिविटी के अंदर, कि आप किसी भी तरह की कोई भी लड़ाई चल रही है या कुछ ऐसी अनप्लेजेंट सी बात चल रही है, तो आप उसको भी बहुत आराम से पीसफुल कंडीशन में लेके आ सकते हैं, बिकॉज आपके अंदर यू नो परशुराम क्या थे, वो एक टीचर ही थे, राइट, तो आपके अंदर ये टीचिंग एबिलिटी आने वाली है. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हियर. आगे देख लेते हैं कि और क्या आपके लिए मेजर सरप्राइज आ रहा है फॉर पाइल नंबर टू. व्हाट अ ब्यूटीफुल reading that has come for you. आगे आपके लिए आ रहा है स्पिरिचुअल पाथ. यस, स्पिरिचुअल पाथ आप लेते हुए नज़र आ रहे हैं और आप बिलीव करने वाले हैं, क्योंकि सडन सरप्राइजेस जो आपके लाइफ के अंदर आ रहा है उसकी वजह से आपको और ट्रस्ट होने लगेगा डिवाइन टाइमिंग पे, डिवाइन पे, उनके प्रेजेंस पे, तो और आप स्पिरिचुअली ग्रो होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं. अब टर्कोइस को आप ज़रूर, क्रिस्टल को आप अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं, बिकॉज ये कहीं ना कहीं मेजर चेंजेस की बात कर
करता है टर्कवाइज अगर आप अपने लाइफ में लेके आते हैं तो आपके लिए एक मेजर चेंजेस, आपके शिफ्ट ऑफ थिंकिंग, ऑफ योर स्पिरिचुअल पाथ, ऑफ योर रिलेशनशिप, ऑफ योर करियर, ये सारी चीज़ें होती हुई मुझे नज़र आ रही है एज अ मेजर सरप्राइज फॉर यू। आगे आपके लिए आ रहा है एपोफाइलाइट। अब ये एपोफाइलाइट बता रहे हैं इंक्रीज्ड सपोर्ट, अगेन अबंडेंस आता हुआ नज़र आना। आप जो इतने फोकस होकर आप काम कर रहे थे, जैसे आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया था एक होप, एक विजडम, नॉलेज, ये सब कुछ बढ़ता हुआ। यहाँ पे भी टीचिंग का कार्ड आना, आगे आर्कएंजल गैब्रियल का आना, और अब ये क्रिस्टल जो आपके लिए आ रहा है तो इंक्रीज सपोर्ट आपके पास आ रहा है एज अ सरप्राइज, जिसमें आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। और आप अपने पैशन को फॉलो करके आप ज़रूर, आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, जो कि यहाँ पे मनी का कार्ड भी बता रहा था। यू कैन इंक्लूड दिस क्रिस्टल एपोफाइलाइट इन योर लाइफ टू ब्रिंग दैट अबंडेंस इन योर लाइफ। ओके, आके आपके लिए आ रहा है कैल्साइट, बिजी टाइम्स एंड मल्टीटास्किंग। यस, आपके पास बहुत बिजी टाइम होने वाला है, आपको मल्टीटास्किंग आगे चल के करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाला जो कार्ड्स है वो आपके लिए आ रहा है। तो येस, यू आर नॉट ओनली गोना डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, आई कैन सी दैट यू आर गोना डू इट फॉर अदर्स एज वेल। ओके, तो आगे आपके लिए देख लेते हैं कि और क्या मेजर सरप्राइजेस आ रहे हैं फ्रॉम द यूनिवर्स आपके लिए। दो बार ही डॉल्फिन आना, वाओ दैट्स ऑसम, बहुत बार आपके पास डॉल्फिन आ रहा है। तो येस, देयर इज़ लॉट ऑफ लव, देयर इज़ लॉट ऑफ पीस इन योर लाइफ, स्पार्क इन योर लाइफ, दिस इज़ वॉट आई कैन सी विद दिस यू नो ऑरेंज डॉल्फिन, जो कि इट स्टैंड करता है हैप्पीनेस के बारे में। पर्पल जो है वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो येस, देयर इज़ समथिंग रिलेटेड टू रिलेशनशिप विद अदर्स, रिलेशनशिप विद समवन। अगर आप, इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर समवन इन योर लाइफ, यू आर गोना गेट दैट राइट गर्ल एंड राइट बॉय, दैट इज़ वॉट आई कैन सी फ्रॉम दिस टू डॉल्फिन कमिंग टूगेदर फेसिंग ईच अदर। ओके, आगे आपके लिए आ रहा है एंजल विंग्स। तो आपकी पूरी रीडिंग में एंजल्स के बहुत सारे यू नो सपोर्ट है, दिस इज़ वॉट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। सो येस, यू विल बी डिवाइनली गाइडेड टूवर्ड्स योर लाइफ पर्पज, दिस इज़ वॉट आई कैन सी विच इज़ कमिंग एज अ मेजर सरप्राइज इन योर लाइफ। की हाउ थिंग्स आर फॉलिंग सो ईजिली इन माई लाइफ, दैट्स ऑसम। आगे देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। तो आपके लिए आ रहा है डिलीट करें वो सारे नेगेटिव थाट्स, डिलीट करें वो सारे नेगेटिव मेमोरीज एंड पीपल एंड लाइफ में आगे बढ़े। आगे आपके लिए है नेवर ट्रस्ट योर फियर्स, दे डोंट नो योर स्ट्रेंथ्स। ओके, अपने डर से आपको आगे बढ़ना है, वो कम्फर्ट जोन आपको हटाना है। आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर कितनी क्वालिटीज़ है, यू हैव दैट नर्चरिंग क्वालिटीज़ विद यू। तो येस, डेफिनेटली यहाँ पे आप में से कई लोग मुझे नज़र आ रहे हैं कि आप बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले हैं। आगे आपके लिए है यू डोंट गिव अप ऑन समथिंग यू लव। अगर आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से प्यार करते हैं तो उसके लिए आपको गिव अप नहीं करना है, एंड दिस इज़ योर क्वालिटी, यू नेवर गिव अप। ओके, सो अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप भी ठीक करना चाहते हैं तो उसमें जितना प्यार है आपके अंदर, तो उसे आप अंडर एस्टिमेट ना करें। अपने अंदर यू नो दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस, करेज लेके आएँ, क्योंकि थिंग्स आर फॉलिंग इन अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस वेयर इन आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करने वाले हैं। डिवाइन नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, एनलाइटनमेंट आपके लाइफ में आ रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट आपके लाइफ में आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में मुझे आती हुई नज़र आ रही है। दिस इज़ गोना बी वेरी ब्यूटीफुल सरप्राइज फॉर यू माय डियर वंस, दैट एंजल्स कैन गिव यू, दैट यूनिवर्स एंड डिवाइन कैन गिव यू। आगे आपके लिए क्या आ रहा है, आपके लिए आ रहा है पाम ट्री, विक्ट्री है, गुड हेल्थ है, प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है, पावर है। इसमें से कोई भी चीज़ आपके लाइफ में मैनिफेस्ट ज़रूर होने वाली है, दिस इज़ वॉट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। सो बिल्कुल आपको डर के नहीं चलना है, पास्ट की जितनी भी मेमोरीज़ हैं, फेलियर्स हैं, कुछ भी ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं आपके लाइफ में, तो उसे छोड़ के आपको बिलीव करना है डिवाइन टाइमिंग पे एंड अपने एंसेस्टर्स पे, अपने स्पिरिट गाइड्स पे, यूनिवर्स पे, डिवाइन पे। ओके, आगे आपके लिए बताया जा रहा है नंबर 5, अगर आप कोई भी चीज़ सोच रहे हैं किसी पार्टनर को लेके, किसी रिलेशनशिप को लेके, किसी बिजनेस को लेके, किसी वर्क को लेके, कहीं मूव होने से लेके, कोई भी नई चीज़ अपने लाइफ में इंक्लूड करने को लेके, तो आपके लिए आंसर आ रहा है येस, यू आर इन द राइट पाथ, दिस इज़ वॉट आई कैन सी फ्रॉम हेयर। जैकपॉट नज़र आ रहा है, बहुत सारा मनी, लव,
केयर यू नो आपकी तरफ आता हुआ, विजडम आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। विद नंबर 6 रिलेशनशिप के बारे में, कामनेस के बारे में यू नो भी बताता है। आगे आपके लिए आ रहा है नंबर टेन आपको बताता है बहुत जल्द ये सरप्राइजेस, जितनी भी आपने यहाँ पे सरप्राइजेस देखी हैं वो आपके लाइफ में ज़रूर और ज़रूर आने वाला है। दिस इज़ वॉट आई कैन सी। आगे देख लेते हैं एक वन इम्पॉर्टेंट गाइडेंस और वन इम्पॉर्टेंट कार्ड फॉर यू कि वो क्या हो सकता है, वो ब्लेसिंग तो आपके लिए आ रहा है यिन एंड यांग। तो यस, नंबर 22 कैन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ये देखिएगा आप सिंक्रोनिसिटी के, अगर आप देखना चाहते हैं तो नंबर 22 जो है वो हो सकता है आपको बार बार दिखें। उस टाइम पे आप क्या सोच रहे हैं वो आप ज़रूर देखें। बैलेंस आपके लाइफ में आता हुआ, एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आपके लाइफ में आता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है फॉर नंबर 2। तो समवन हु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ और समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, अगर आपको उस टाइम पे 22 दिखाई देता है या 222 दिखाई देता है तो जस्ट यू नो अंडरस्टैंड दैट दैट इज़ द गाइडेंस कि आप यू आर इन द राइट पाथ, दिस इज़ द राइट पर्सन, दिस इज़ द राइट प्रोजेक्ट, दिस इज़ राइट हाउस, ओके यू आर गोइंग इन द राइट पाथ। आई होप यू हैव लाइक द रीडिंग, आई होप इट हैज़ रेजोनेटेड विद यू। इफ येस देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, subscribe this channel and share with your loved ones, and do not forget to write in the comment section angel blessings, divine blessings. I will definitely read it, I will definitely bless you from there as well. I will see you in the next video. Bye bye for today. हेलो पाइल नंबर 3, आई एम सुष्मिता बेन, आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्र साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? तो आपने चूज़ किया है कीपर्स ऑफ द लाइट का ये डेक। हम देखने वाले हैं वो मेजर सरप्राइजेस जो यूनिवर्स, डिवाइन और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं। ले लेते हैं प्रभु का नाम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देख लेते हैं कि आपके लिए क्या है वो मेजर सरप्राइजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द डिवाइन एंड फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। लेट्स चेक फॉर पाइल नंबर 3। तो आपके लिए सबसे पहले आ रहे हैं द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस। द डिवाइन इंटरवेंशन आपके लाइफ में आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, हैप्पीनेस आता हुआ नज़र आ रहा है, आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि आपको डिवाइन जो है वो गाइड करने वाले हैं कि ये आपका लाइफ पर्पस है। आपको उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है जब खुद ही डिवाइन जो है वो आपके डायरेक्टर बन जाए, आपके लाइफ के डायरेक्टर बन जाए और आपको वो गाइड करते रहें, तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। और इंटरवेंशन एंड पर्पस मतलब आपको ज़रूर कोई भी ऑब्स्टिकल्स हैं उसमें वो इंटरवीन करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि ये सही है, ये रास्ता सही है, ये गलत है, और आपको अपने लाइफ पर्पस की तरफ वो ज़रूर ज़रूर भेजने वाले हैं। द शकीना जो है वो आपको क्या बताती है, डांस करें रिदम ऑफ योर लाइफ, जो आपको बहुत पसंद है, जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हैं, उसकी तरफ आप आगे बढ़ें। तो यही नज़र आ रहा है, अगर आपको डांस करना पसंद है, आपको म्यूज़िक पसंद है, या आप अभी जिस जॉब में हैं वो आपको नहीं पसंद है, आप टैरो रीडिंग करना चाहते हैं, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ा के कुछ हेल्प करना चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं उसकी तरफ आपको मोड़ा जाएगा। कहीं ना कहीं द शकीना बताती है कि द रिदम ऑफ द लाइफ के साथ आपको फ्लो करने की ज़रूरत है, अपने आप को बांध के या फिर उसके रिजल्ट से अटैच होने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ वॉट इज़ द नेक्स्ट गाइडेंस फॉर यू। आपके लिए मरकरी आ रहा है जो कि आपको बताता है ओपन कम्युनिकेशन। ये जो प्लैनेट होता है ये होता है कम्युनिकेशन का। अगर आपकी मरकरी अच्छी है तो यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, एंड आपकी जो बातें हैं लोग सुनेंगे एंड इट विल बी टच्ड बाय द पीपल एंड दे विल बी लुकिंग अप टू यू। तो हो सकता है आप कोई ना कोई सोशल मीडिया ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, इंस्टाग्राम के अंदर यू गोना गिव योर ओन ओपिनियन, दिस इज व्हाट आई कैन सी, एंड यू विल बी हर्ड व्हाट एवर यू आर सेइंग, दिस इज व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। सच अ ब्यूटीफुल स्टार्ट ऑफ योर रीडिंग, जहाँ डिवाइन ही आपके जो है वो डायरेक्टर हैं आपके लाइफ के, वो आपको लाइफ पर्पस की तरफ लेके जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मून, देख सकते हैं आप एक स्पार्क देख सकते हैं अपने लाइफ में। तो आप स्टेज मैनिफेस्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, कुछ इवेंट्स करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी विद अ सपोर्टिव कार्ड दैट इज मर्करी। ओके, सो जहाँ पे कई लोग जो हैं दे आर गोना लिसन टू योर ओपिनियन एंड दे विल बी रियली अप्रिशिएटिंग योर दिस मूव। आगे आपके लिए आ रहा है फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनिफिट।
वेलन से आपको यही बताया जा रहा है कि आपको काम रहना है, क्वाइट रहना है और किसी भी तरह से ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, लूजिंग ऑफ द होप नहीं करना है आपको, मुझे नज़र आ रहा है यू आर लूजिंग योर होप, ओके, कि मैं कुछ कर पाऊँगा कि नहीं, मैं लाइफ में कुछ अचीव कर पाऊँगा या कर पाऊँगी कि नहीं. सो यू हैव टू जस्ट ट्रस्ट द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज़ वॉट इज़ द गाइडेंस फॉर यू. और अपने आप पर भी बिलीव करें, अपने आप को सेल्फ लव देने की कोशिश करें, बी काइंड एंड गुड टू योर सेल्फ एंड टू अदर्स एंड यू विल फील दैट ह्यूमैनिटी, यू विल फील दैट बेनेवोलेंस इन योर लाइफ. आगे आपके लिए आ रहे हैं वाइट ईगल जो कि है एंसेस्टर्स स्पिरिट, ये आपको बताते हैं कनेक्ट विद योर लाइनेज. और यहाँ कहीं ना कहीं आपको ये भी अश्योरेंस देता है ये कार्ड कि कोई भी एक सेट पैटर्न अगर आपके लाइफ में चल रहा था, आपकी फैमिली में चल रहा था, वो ब्रेक होने वाला है, चाहे वो रिलेटेड टू यू हेल्थ इश्यूज हो, रिलेटेड टू फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हो. तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि वाइट ईगल आपको एंसेस्टर्स स्पिरिट आके यही बता रहे हैं कि आपके लाइफ में आपको बिल्कुल भी होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ अबंडेंस, देयर इज़ लॉट ऑफ सक्सेस दैट्स कमिंग टू योर लाइफ. और सबसे ब्यूटीफुल पीसफुल बात यह है कि आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हैं और चीज़ों को आप इतने अच्छे से प्रेजेंट करने वाले हैं, अपने पर्पस की तरफ आप बढ़ रहे हैं, अपने पैशन को आप फॉलो कर रहे हैं, पीपल विल बी लाइकिंग यू. सो प्लीज़ हैव फेथ, ओके, एंड बी गुड टू योर सेल्फ एंड टू अदर्स. यंगर वुमेन, देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल अ यंग गर्ल हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, वेदर यू आर अ गर्ल और अ बॉय, that girl is gonna come, can be your daughter, can be your cousin, can be your anyone who is young, who will be giving you a lot of ideas. बहुत सारे ideas दे सकते हैं कि भाई इसको social media में आप ऐसे डालें, आप ऐसे picture करें, click करें, आप ऐसे videos बनाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. तो yes, of course, there is a help of a very lovely girl who's gonna help you a lot in this, okay? At this moment, opportunities are waiting for you, door आया है आपके लिए, तो ये आपके लिए major surprise आ रहा है. Yes, you are gonna follow your passion. Yes, your divine is your director. और आप बहुत अच्छा काम करने वाले हैं. और साथ में जो जो आपके साथ पैटर्न चल रहा था ऑब्स्टेकल का पैटर्न इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, मनी और एनीथिंग अचीवमेंट इन योर लाइफ, वो भी ब्रेक हो रहा है. सो अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग इन योर लाइफ, टॉर्च, वाओ. सो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग इज कमिंग इन योर लाइफ, जो कि यहाँ पे फेथ के कार्ड को बिल्कुल सिंक कर रहा है. That's a beautiful surprise that's coming in your life. Wow, woman, तो आपके लिए again आ रहा है, एक younger woman भी नज़र आ रही है और एक mature woman आपके life में नज़र आ रही है, जो हो सकता है जिसके अंदर बहुत psychic abilities हो, बहुत अच्छे spiritually वो high हो, वो आपको guide करने वाली है, चाहे meditation के लिए हो, चाहे आपके life purpose के लिए आगे move करने के लिए, spiritual growth के लिए हो, जो खुद बहुत कामयाब है, बहुत enlightened है, वो आपको ज़रूर यहाँ पर help कर रही हैं, मुझे नज़र आ रहा है. सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर 3. आगे आपके लिए आ रहा है डायमंड. वाओ, तो समथिंग वेरी प्रीशियस इज कमिंग टू यू. अगर आप किसी रिलेशनशिप में पढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी मैरिज हो, तो मुझे वो मैरिज होते हुए नज़र आ रहा है. लिटरली आपको कोई डायमंड गिफ्ट भी मिल सकता है. दिस इज़ वॉट आई कैन सी. कैन बी अ डायमंड रिंग, इट कैन बी एनीथिंग डायमंड और एनीथिंग दैट अचीवमेंट इन योर लाइफ जो आपके लिए डायमंड से काम ना हो, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके लिए. माई डियर वंस, पाइल नंबर 3, दैट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग दैट हैज़ कम फॉर यू. आगे देख लेते हैं आपके लिए ऑल टाइड अप. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइड अप हैं, आप यू नो होपलेस हो रहे हैं, तो आपको यही कहा जा रहा है कि यू कैन ईजली ओपन इट. अगेन नंबर 5 का आना, अगेन कम्युनिकेशन का आना. यू हैव टू शो अप टू द वर्ल्ड, ओके. अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बांध के रख रहे हैं, यू आर नॉट शोइंग अप, आप हो सकता है यू नो आपकी हेल्थ के वजह से या फिर आपके लुक्स के वजह से, तो यू आर बीन एडवाइज टू वर्क ऑन इट एंड कम इन फ्रंट ऑफ people try to speak out. This is what is the guidance for you at this moment. आगे देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या major surprises आ रहे हैं. For all pile number 3 people, आपके लिए आ रहा है angel of communication. Wow, that's so beautiful. यहाँ number 5 का आना, यहाँ mercury का आना, again angel of communication. आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. मुझे आपके अंदर confidence की कमी नज़र आ रही है while you are presenting yourself. तो आप angel light जो crystal है उसको इंक्लूड कर सकते हैं. अगर आप एक जेन्यून क्रिस्टल लेना चाहते हैं, तो आपको मेरे ऐप का एज वेल एज मेरे वेबसाइट का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन कॉलम में. साथ में वहाँ व्हाट्सएप नंबर है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट माई सेल्स टीम. दे कैन गाइड यू फॉर अ ब्यूटिफुल एंड द जेन्यून क्रिस्टल एज वेल. तो यहाँ पर मुझे आगे नज़र आ रहा है आपके लिए कि कम्युनिकेशन जो है आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.
बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो समवेयर आपके लिए एंजल ऑफ कम्युनिकेशन आ रहे हैं, साथ में आप इनमें से कोई भी एफर्मेशन को आप इंक्लूड कर सकते हैं। आई सेंड एंड रिसीव मैसेजेस विद ईज एंड ग्रेस, चाहे आप यू नो एंजल से, यूनिवर्स से, डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप इसको इसके साथ वर्क कर सकते हैं। साथ में गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन फ्रॉम माई एंजल्स एंड अदर स्पिरिट गाइड्स कम टू मी मोमेंट बाय मोमेंट। ओके, तो एक एक करके आपके पास वो सारे गाइडेंस एंड इंस्पिरेशंस आ रहे हैं, इस पर आपको बिलीव करना है। इस तरह से आप अफर्मेशंस बोल सकते हैं। थर्ड आपके लिए जो बहुत ही ब्यूटीफुल अफर्मेशन आ रहा है, जिस पर आप बार बार आप बोल सकते हैं, से इट अलाउड, तो आपके सारे सेंसेस को पता लगता है कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। आई इंटरप्रेट द मैसेजेस आई रिसीव एंड अप्लाई देम टू माई लाइफ विद विजडम। ओके, सो ये आप बोल सकते हैं। तो आपके पास जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, आप उसको अप्लाई करते हैं, आप उसे सुनते हैं और उसको समझते हैं और उसको अप्लाई करते हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल रहता है। इस तरह की आपको बिलीव सिस्टम रखने की ज़रूरत है। दिस इज़ वॉट आई कैन सी फ्रॉम हियर। आगे देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या मेजर सरप्राइजेस आ रहे हैं फ्रॉम यूनिवर्स। आपके लिए आ रहा है जेड। जेड इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल क्रिस्टल, आई एम टेलिंग यू, आई रियली लव इट। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके हेल्थ इश्यूज अगर आपको या आपकी फैमिली में है, तो आप जेड को इंक्लूड करें, क्योंकि आपको यही बताया जा रहा है, योर फैमिली योर दैट पैटर्न विल बी हील्ड। कई लोगों को होता है ना कि एक को अगर डायबिटीज़ है तो सबको डायबिटीज़ होता रहता है, या फिर वो कोई और भी किसी भी तरह का कोई पैटर्न चल रहा है घर में, कि स्किन से रिलेटेड कोई इन्फेक्शंस हैं या कैंसर से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं जो कि आगे बढ़ते जाती है, एक के बाद दूसरे को मिलती जाती है, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ से रिकवरी होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप बड़ा सा रॉ क्रिस्टल जो है आप जेड का ले सकते हैं, या फिर आप यू नो पेंसिल क्रिस्टल्स होते हैं तो आप वो ले सकते हैं, उसको जैसे आप मेडिटेट कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं हाथ में ऐसे पकड़ के। ओके, सो दैट विल बी पॉइंटर्स होते हैं, वो आप ले सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप जेड अपनी लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करें, आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो इट कैन बी गिफ्टेड टू यू, इट कैन कम टू यू, और यू कैन बाई इट बाई योर ओन। सो इट कैन बी अ मेजर सरप्राइज दैट ये ऐसे अचानक से आप जो है अपने लाइफ में सारी चीज़ें आपकी कैसे चेंज हो गई, आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो सकते हैं। आगे आपके लिए आ रहे हैं बृहस्पति जी, और ये आपको बता रहे हैं कि पावर आने वाला है, प्रेस्टीज आपकी बढ़ने वाली है सोसाइटी में। यू विल बी हर्ड, दिस इज़ वॉट वी हैव ऑलरेडी सीन एंड अंडरस्टूड बाई द इंटायर रीडिंग। आपके लिए है वर्ल्डली नॉलेज आने वाला है आपके लिए, स्पेशली ऑफ लॉ, कि लॉ से रिलेटेड अगर आप इस फील्ड में हैं तो आपके लिए क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में जानना, ये आपके लिए एक यू नो एज अ सरप्राइज गिफ्ट आ रहा है फ्रॉम यूनिवर्स। कैपेसिटी टू एक्ट एज अ टीचर एंड स्पिरिचुअल मास्टर, तो आप कहीं ना कहीं से सीख के आप खुद उसको अप्लाई कर सकते हैं। एबिलिटी टू कैरी आउट एडवाइजरी एंड मिनिस्ट्रल ड्यूटीज, तो ये भी आपके लिए आने वाला है कि आप एक लीडरशिप क्वालिटी जो है वो आपके लाइफ में मुझे आती हुई नज़र आ रही है इस कार्ड के साथ। आगे देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। आपके लिए आ रहा है एसेंडेंट मास्टर, दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके लिए कि पावरफुल लविंग एंड वाइज स्पिरिचुअल टीचर्स आर वॉचिंग ओवर एंड गाइडिंग यू। दैट्स सच अ ब्यूटीफुल सरप्राइज दैट्स कमिंग योर वे माई डियर वंस। ऑल पाइल नंबर थ्री, आगे देख लेते हैं कि और आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं फ्रॉम एंजल्स फॉर पाइल नंबर थ्री पीपल। ओके, तो आपके लिए है रैबिट, ब्लैक एंड वाइट, ओवरकमिंग फियर, फर्टिलिटी भी नज़र आ रहा है। कोई अगर बेबी करना चाहते हैं तो आप कंसीव कर सकते हैं, और आप जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं दैट्स मूविंग अहेड। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड, सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग हैज़ कम। और देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या मेजर सरप्राइजेस है फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द डिवाइन। आपके लिए आ रहा है एंकर, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपने गोल को एंकर करते हुए, अचीव करते हुए, यू नो स्टेबल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आगे आपके लिए आ रहा है कैमरा, तो मैं अभी बात कर ही रही थी सोशल मीडिया के बारे में, तो वीडियोस बनाना, कोई शूटिंग करना, यू नो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। एंड यस, यू आर गोना बी गाइडेड, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हियर। आप बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, अगर आप मीडिया इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ भी आप बहुत अच्छा
काम कर सकते हैं. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम योर दिस. यू डोंट गिव अप ऑन समथिंग यू लव. एक चीज़ आपके पास दो बार आ रही है, दैट इज़ अ बिगर सरप्राइज फॉर मी. कि आपको बार बार ये कहा जा रहा है, दो बार कन्फर्मेशन में आपसे यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं कि जो चीज़ आपको प्यारा है उस पर आप कभी गिव अप नहीं करते. अपने पैशन को आप ज़रूर फॉलो करें. आगे आपके लिए आ रहा है, द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट. सबसे बेहतर होता है कि आप अपने फ्यूचर को क्रिएट करें, सिर्फ मन में ना सोचे. एक्शन लेने का टाइम आ चुका है, पाइल नंबर 3. सो प्लीज़ टेक एक्शन. जो भी आपने प्लान किया है कि मैं रील्स बनाऊंगा, शॉर्ट्स बनाऊंगा, वीडियोस बनाऊंगा, या फिर लोगों को मैं ऐसे बताने वाला, मैं इवेंट करने वाला हूं, मैं डांस करने वाला हूं, या मैं मेरे को ये कोर्स करना है उसके बाद मैं लोगों को सिखाना चाहता हूं. सो प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग आता हुआ मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है. लीडरशिप क्वालिटी, सोसाइटी के अंदर आपकी प्रेस्टीज बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रही है. बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आई है आपके लिए. आगे देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या सरप्राइजेस आ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन, या फिर क्या आपके लिए आंसर्स आ रहे हैं. आपके लिए सबसे पहले आ रहा है नंबर 6, तो समथिंग वेरी बिग इज़ कमिंग. इट कैन बी लव, केयर, रिलेशनशिप. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी. हो सकता है आपकी मैरिज हो, मैरिज भी आपकी कोई जॉइंट फैमिली के अंदर आपकी मैरिज हो सकती है. तो मुझे ये नज़र आ रहा है, नंबर 6 इज़ अ नंबर ऑफ वीनस. तो मनी भी आता हुआ है आपकी लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है. बहुत ही जल्द ये सारी प्रिडिक्शन जो मैंने अभी किए हैं, जो आपने मेरे साथ अभी देखे हैं, बहुत जल्दी वो सच होने वाले हैं, ये भी नज़र आ रहा है. बिकॉज नंबर 10 आ रहा है, सून आ रहा है आपके लिए. आगे आपके लिए है नंबर 7. नंबर 7 आपको बताता है, इस रीडिंग पे, इस मैसेजेस पे आपको ज़रूर ज़रूर ट्रस्ट करना चाहिए. आप ज़रूर लिखें अपने इस कॉमेंट सेक्शन के अंदर, आई ट्रस्ट यू डिवाइन, आई ट्रस्ट यू माई यू नो यूनिवर्स और स्पिरिट गाइड्स, वॉट एवर यू फील लाइक. ज़रूर लिखें आप, ज़रूर एंजल ब्लेसिंग, डिवाइन ब्लेसिंग ज़रूर लिखें. आई विल रीड एंड आई एम गोना ब्लेस यू ओवर देयर. आई होप दिस रीडिंग हैज़ रेजोनेटेड विद यू. आई होप यू हैव एन्जॉयड दिस रीडिंग एंड यू हैव गॉट कनेक्टेड टू द एंटायर रीडिंग एंड कनेक्टेड टू द एनर्जी ओवर हियर. आई थरोली एन्जॉयड डूइंग योर रीडिंग एंड गिविंग यू गाइडेंस. एंड इफ यू फील कनेक्टेड विद माई वाइब्स, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड hit the bell notification as well, so that you are not missing any of the videos that I am uploading. Okay, I will see you in the next upcoming video. Till then.